सरकार कड़ी कार्रवाई करती होती तो अब तो वो जेल में होते हैं। जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उन्हें सही से जॉब नहीं मिल पाती है, आधे से आधा बेरोजगार रह जाते हैं। गरीब करती तो 80 करोड़ जनता को अनाज नहीं देना पड़ता। सरकार अमीरों को अमीर बना रहे हैं, गरीबों को गरीब बना रहे हैं। 51 बार में से 50 बार पेपर लीक हो चुके हैं। लोग ऐसे हैं सरकार में कि जिनकी वजह से पेपर लीक हो जाते हैं, उन्हें तो पकड़ना चाहिए ना। राम मंदिर में क्या करे, कटोर लेके बैठे राम मंदिर में। वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा, वो 400 पार की तरफ है, 400 हार की तरफ। ऐसे देखे निकल ले वो तो निकल जाते हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं उनका क्या हो रहा है? रोजगार में भाई कम, जो मजदूर आदमी की मटी का पेपर आता है तुरंत लीक हो जाता है। गरीब आदमी तो नौकरी के लिए अप्लाई करता है, अंबानी अडानी या बड़े बड़े बिजनेसमैन थोड़ी अप्लाई करते हैं। वहाँ तो नुकसान हुआ है, दूर दूर लोग आए, दूर दूर से गए, बीमार हो गए। राशन तो नहीं लेके जाओगे ना दवा के लिए? राशन बच्चों का ही हो रहा ना, उसमें सरकार का तो कुछ हो भी नहीं। यूपी से बाहर कर देगा बीजेपी। हाँ गरीबों की सरकार है महाराज। नहीं नहीं नहीं, हाथ जोड़ता हूँ, नहीं नहीं गरीबों की सरकार नहीं है। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनरेट टाइम। इस समय हम मौजूद है नोएडा में। अगर मैं विद्यार्थियों की लगातार परीक्षाएं चल रही हैं, उसी समय अभी कुछ समय पहले यूपी बोर्ड की, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती निकली थी जिसमें पेपर लीक हो गया। उसके बाद 12वीं के भी मामले लगातार कहीं ना कहीं किसी स्टेट से आ रहे हैं पेपर लीक के। तो पेपर लीक का मामला जब सामने आता है तो बच्चा तो अपनी मेहनत करता है और फिर उसके बाद उसके कानों में एक बात पड़ती है कि भैया ये वाला पेपर तो लीक हो गया। तो इस लीक पेपर की गलती किसकी है, सरकार की या फिर कुछ तत्व ऐसे हैं जो इन सबको अंजाम देते हैं और फिर बच्चों की जो मेहनत और बच्चों की जो लगन और जिस लगन से वो पेपर देते हैं उस सबको ख़राब कर देते हैं। इन सबके लिए हमारे साथ आज आप पीछे देख सकते हैं युवा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और 2024 इलेक्शन भी करीब आ रहा है उस पर भी थोड़ी बहुत गपशप होगी इनके साथ। चलिए बात करते हैं इनसे, क्या है पेपर लीक और क्या सोचता है आज का युवा। लगातार पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, अगर मैं यूपी भर्ती की बात करूँ या 12th के भी कुछ पेपर लीक हुए बोर्ड परीक्षा, उस पर क्या कहेंगे, किसकी गलती है, सरकार की गलती है या फिर कुछ तत्व है जो इनकी ओर लगातार पेपर लीक? सरकार ने टोटल अभी तक 51 से 52 बार परीक्षा कराई है, जिसमें पुलिस की भर्ती भी है और वैसी भी सरकारी नौकरियों की खूब भर्ती निकली है, जिसमें से 51 बार में से 50 बार पेपर लीक हो चुके हैं। तो ये सरकार की मंशा है तो युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती या फिर युवाओं को बेरोजगार रखनी चाहती है, क्योंकि युवा जब तक बेरोजगार रहेगा तो फिर उनके ही बताए नक्शों पे चलेगा। लेकिन ऐसा कैसे कह सकते हैं, सरकार तो खुद परीक्षा करवा रही है, वो अपना नुकसान क्यों करेगी? नहीं, परीक्षा करा रही है, परीक्षा आपने जितनी देखी होंगी उसके बाद आपने सुना होगा पेपर लीक हो गई। अभी एक हरियाणा में 12th क्लास के पेपर लीक हो गए, इसमें किसकी गलती है? माना कि सरकार की गलती नहीं है पर कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है। सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है पेपर लीक? सरकार कड़ी कार्रवाई करती होती तो अब तक वो जेल में होते, सलाखों के पीछे होते, पर अभी तक ही भी किसी का नाम नहीं आया, ना किसी का पता चला है किसने पेपर लीक कराए हैं। अभी यूपी पुलिस के, दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए थे, वो भी लीक हो चुके हैं। यूपी नहीं, नहीं दिल्ली पुलिस नहीं, यूपी पुलिस हुआ था। नहीं, यूपी पुलिस से पहले दिल्ली पुलिस के हुए, तो अच्छा, वो भी लीक हो गए जी। अरे यूपी पुलिस वाला तो जिसने पेपर लीक करे उस आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया? नहीं, एक आरोपी अरेस्ट से कुछ नहीं होता ना, एक आरोपी का काम नहीं है ये, पूरी साजिश है और ये लगभग पूरी टीम है इसमें। अच्छा, युवाओं का अगर 2024 की बात करें तो ऐसे मामले पेपर लीक के आ रहे हैं बार बार, तो कितना फर्क पड़ेगा 2024 इलेक्शन में? नहीं, फर्क पूरा पड़ना है। युवा 65,000 युवा सरकार से नाराज हैं, 65 लाख युवा। अब 65 लाख का 3 गुना कर ले तो 2 करोड़ 85 लाख बैठते हैं, 2 करोड़ 85 लाख बैठते हैं। इसमें से हर लोकसभा में देखा जाए तो 2.5 लाख वोट है जो सरकार से नाराज है, हर लोकसभा में 80 लोकसभा गुणा कर लो। सरकार तो कह रही ना हम रोजगार भी दे रहे हैं, हम युवाओं को आगे भी बढ़ा रहे हैं। नहीं, सरकार कह रही है जो रोजगार दे रहे हैं, पर रोजगार मिल तो नहीं रहा किसी को, पेपर लीक हो जा रहे हैं और आगे कहाँ पे बढ़ा रहे हैं हमारा देश? तो मुझे लगता है पिछले 10 साल में 5 साल पीछे चला गया है। कह रहे हैं अभी एक रिपोर्ट निकाली जिसमें कह रहा है गरीबी घट गई है देश की। गरीबी घटती तो 80 करोड़ जनता को अनाज नहीं देना पड़ता सरकार को, क्योंकि अनाज वो लेता है जो एलिजिबल नहीं है, जिसके घर में खाना नहीं है। नहीं तो कौन इतने निचले स्तर को खाने को खाएगा, जिसमें चावलों में धूल है, आटे में धूल है, तेल प्योर तरीके का नहीं है, उसको कौन खाना चाहेगा? जो गरीब है, जिसके पास है नहीं, वो ही तो खाना चाहेगा। तो मोदी जी 400 पार किस अंदाजे से कह देते हैं? वो 400 हार की तरफ जा रहे हैं इस बार। 400 हार एक नई टैगलाइन दे रहे हो, वो तो 400 पार कह रहे हैं, युवा हमारे साथ है। नहीं, वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा, वो 400 पार की तरफ है, 400 हार की तरफ है। किसकी तरफ है, किसकी तरफ है? 400 पार हो पाएंगे बीजेपी के? नहीं। अच्छा, पेपर लीक हो रहा है उससे क्या कहेंगे? हाँ, पेपर लीक की मैं ये बोलूँगा सर के क्या कहते हैं, जितने भी बच्चे हैं सभी क्या कहते हैं मेहनत से तैयारी करते हैं, और मान लो उसके बाद पता चले कि हाँ उनके पेपर लीक हो गए हैं, तो सर हर किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी की एज गैप, एज ये टाइम लिमिट होती है मान लो सरकारी जॉब के लिए, तो मान लो कोई मेहनत कर रहा है 2 साल से 5 साल से, उनके लिए तो प्रॉब्लम है ना।
तो सर क्या कहते हैं इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी सरकार गलत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं सरकार में कि जिनकी वजह से पेपर लीक हो जाते हैं, उन्हें तो पकड़ना चाहिए ना। उसकी वजह से युवाओं के क्या कहते हैं करियर खराब हो जाते हैं। अच्छा 2024 भी आ रहा है, इस समय इलेक्शन भी आ रहा है, लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, उससे कितना फर्क पड़ेगा? युवा क्या चाहते हैं इस बार? सर युवा तो यही चाहते हैं कि आगे तक उन्हें बढ़िया जॉब मिले, अच्छा करियर हो सबका, क्योंकि अब तक जितनों ने अभी क्या कहते हैं हमारी पहले तो ये है कि जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उन्हें सही से जॉब नहीं मिल पाती है, आधे से ज़्यादा बेरोजगार रह जाते हैं, तो जॉब नहीं होगी तो फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा है। जॉब तो कह रहे हैं योग्यता अनुसार जॉब मिल रही है, बीजेपी सरकार लगातार यही कह रही है। नहीं सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी को भी जॉब नहीं मिल पा रही। 50% जो कि आगे थे हाँ पैसे दे के निकल ले वो तो निकल जाते हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं उनका क्या हो रहा है? वो तो क्या आगे थे नहीं हो रही है सर, क्या आगे थे मेहनत कर फर्क पड़ेगा 2024 में? जी सर जरूर पड़ेगा। भैया जी एक चीज बताओ, आपने सुना होगा अभी पेपर लीक हो गया, जो पेपर होते हैं बच्चों के तो पेपर लीक हो जाते हैं, अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ वो भी लीक हो गया, तो एल के परीक्षा हरियाणा से लीक हो गई, तो क्या लग रहा है इसमें किसकी गलती है, सरकार की या कुछ लोग हैं जो पेपर? सरकार की क्या गलती है इसमें? सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो करेगी, ये बात नहीं है, थोड़ी बहुत नहीं ना, हर बार पेपर लीक। और ये लोग मजदूर आदमी के ये जैसे गरीब आदमी है वो ज्यादा पिस जाता है इसमें, ये मोटे आदमियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सरकार तो बढ़िया चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर ये लेकिन अब फर्क पड़ेगा 2024 लोकसभा आ रहा है, तो युवा क्या चाह रहे हैं इस बार? आप ये कह रहे हैं महंगाई और रोजगार पे बात करें तो कैसा है रोजगार में? भाई कम जो मजदूर आदमी की मटी खराब है, मोटे आदमी तो सब जल जाते हैं, मजदूर आदमी गरीब आदमी तो नौकरी के लिए अप्लाई करता है, अंबानी अडानी या बड़े बड़े बिजनेसमैन थोड़ी अप्लाई करते हैं, किसान का बेटा गरीब का बेटा नौकरी के लिए अप्लाई करता है, वो लगन से पढ़ता है और उसके पढ़ने के बाद उसके लाखों रुपए खर्च हो जाता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, वो घर बैठ जाता है, उसके बाद उसकी एज निकल जाती है, फिर सरकारी नौकरी में वो अप्लाई नहीं कर पाता है, तो इसमें गरीब आदमी और किसान के बच्चे तो फंस रहे हैं, कोई अमीर या बिजनेसमैन तो नहीं फंस रहा है इसमें, या अमीर और बिजनेसमैन को कोई मतलब ही नहीं है इसमें। भैया एक चीज बताओ, अभी आपने सुना था कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस की भर्ती हुई थी वो पेपर लीक हो गया था, ऐसे मामले लगातार पेपर लीक के आते रहते हैं, तो इसमें किसकी गलती है? बच्चों की तो कोई गलती है नहीं, बच्चे तो मेहनत करके पेपर देने इसमें तो यार भाई साहब मुझे कुछ ऐसी पता भी नहीं है ना, इतनी कोई नॉलेज है क्या उसके बारे में? ये इतना तो पता होगा ना कि इसमें बच्चों का तो भविष्य खराब होता है ना? नहीं ये तो देखो नुकसान बच्चों का ही हो रहा ना, उसमें सरकार का तो कुछ हो भी नहीं रहा मैटर, तो इसमें 2024 पे असर पड़ेगा क्या? देखो पढ़ना भी चाहिए, युवा क्या चाहते हैं भाई? देखो युवाओं के बारे में भी सोचना चाहिए सरकार को, जो सबके बारे में सोच रहे तो युवाओं के बारे में कोई बाहर की सरकार थोड़ी सोचेगी, ये तो भारत सरकार को सोचना पड़ेगा ना, तो भारत सरकार तो कह रही है ना सोच रहे युवाओं के लिए, अब ये तो युवाओं को पता लगना चाहिए ना, तभी तो ऐसा लगेगा कि हाँ सोच रहे हैं। भैया जी सुनिए, आप भी सुनिए, क्या लग रहा है जिस हिसाब से पेपर लीक के मामले लगातार आ रहे हैं, पेपर लीक हो गया, ये पेपर लीक हो गया, वो पेपर लीक हो गया, तो लीक हुआ था, तो उसमें किसका नुकसान? बच्चों का तो नुकसान हो गया, जो मेहनत करके जाते हैं, युवाओं का ही नुकसान है उसमें ज्यादा से ज्यादा। क्या कहेंगे उसमें? तैयारी करा था, क्या कहेंगे आप? युवाओं का ज्यादातर नुकसान हुआ है उसमें, तो ऐसे जो तत्व हैं जो लीक करते हैं पेपर को उनके साथ क्या करना चाहिए? वो तो गवर्नमेंट से इशू हुआ होगा कुछ भी, गवर्नमेंट से इशू हुआ होगा मतलब? हाँ तो ऐसे तो पेपर तैयार हुआ हो तो गवर्नमेंट की निगरानी में तैयार हुआ होगा ना, तो लीक होने का कारण ज्यादा क्या हो सकता है? इसमें लीक होने का कारण गवर्नमेंट भी हो सकती है क्या? कुछ भी हो सकता। अच्छा इसका असर 2024 पे कितना पड़ेगा? वो तो ज्यादा से ज्यादा असर पड़ना चाहिए युवाओं के लिए, युवाओं का तो नुकसान हुआ है, दूर दूर लोग आए, दूर दूर से गए, उसके बाद वो लीक हो गया, कुछ ना कुछ तो कारण हुआ है, लोग परेशान भी हो गए। 2024 आ रहा है, अगर मैं बीजेपी की बात करूँ, कामों की बात करूँ, युवाओं के रोजगार की बात करूँ, तो कितना मिला है? तो रोजगार तो मिला ही नहीं है युवाओं को, रोजगार मिला ही नहीं है, कहाँ मिला? और काम? काम हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, नहीं भी हुआ है, नहीं भी। चलिए मैं और भी आगे बताऊँ, भाई क्या लग रहा है पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं? हाँ जी सर, पहले भी हुआ था एक बार, हर बार ये पेपर लीक हो जाता है, पहले भी हुआ 2-3 बार, जब पेपर आता है तुरंत लीक हो जाता है, हर बार ये होता रहता है। तो सरकार की क्या गलती है या फिर कुछ सरकार तो बोलती है हम क्या कर रहे हैं, कुछ तत्व हैं वो कर देते हैं, ये सारे सब लोग तो सरकार के उससे हैं, ये सब लोग सब सरकार ही तो कराती है हर बार ये। तो फिर युवा क्या जा रहा है 2024 में? युवा ये इनको बाहर कर देगा, युवा इस बार बीजेपी को बाहर, बीजेपी को बाहर कर देगा, यूपी से बाहर कर देगा बीजेपी को युवा। बीजेपी दावा कर रही है 400 पार, युवा भी खुश है, महिलाएं भी खुश हैं? कोई खुश नहीं, नहीं कोई गरीब खुश है ना कोई, कोई भी खुश नहीं है इस सरकार से। क्यों ऐसा क्या कर दिया? उन तो बहुत सारे दावे करते हैं,
सब झूठ बोलते हैं। राम मंदिर हमने बनवा दिया, राम मंदिर में क्या करें, कटोर लेके बैठे राम मंदिर में, दुबई जाए अपना घूमे फिरे, घूमने से क्या काम चलेगा, ये सब गरीब आदमी ये सब घूम रहे क्या घूमेंगे ये सब। चाचा आप क्या लग रहा है कि जैसे आपसे बच्चे परीक्षा देते हैं ठीक है, फिर एक मैटर आता है कि भैया पेपर लीक हो गया, तो यो बच्चों का तो नुकसान हो गया, ये बच्चों यार बच्चे तो देखो ना कितने बेचारे बेकाम के हुए हैं, अब इनको काम नहीं होगा, पेट तो है ना, रोटी तो खाएंगे ना, माँ बाप पैदा किए बड़ा किए चलो ठीक है, अब इनको तो माँ बाप को देखना है ना, पर इनको जब काम ही नहीं रहेगा तो क्या देखेंगे, अपने आप को खुद परेशान है तो माँ बाप को क्या देखेंगे। बीजेपी फिर कौन सा दावा ठोक देती है कि हम तो रोजगार दबा के दे रहे हैं। अब महाराज देखो मुंह है आप दावा ठोको, हम दावा ठोके, दावा ठोकने से कुछ नहीं होता, चार सौ पार बोल रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं युवा हमारे साथ है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, 400 नहीं वो 800 पार बोल दें बहुत अच्छी, नहीं नहीं एक बात है मेरे कहने मतलब वैसा काम तो करो ना यार, कुछ भी बोल सके नहीं, गरीब गरीब के लिए क्या छोड़े हैं, गरीब के लिए क्या छोड़े, 5 किलो राशन शौचालय। अरे यार महाराज एक बात बताओ, आज आप बीमार हो गए राशन तो नहीं लेके जाओगे ना दवा के लिए, पैसे तो चाहिए ना, हैं सबसे बड़ा चीज दिक्कत है बेरोजगारी, सबसे बड़ी कमी है अरे यार ये देखो ये लड़के अगर काम होता तो यहाँ क्यों खड़े होते, सर्वे में दिखा रहे हैं गरीबी कम, अरे गरीबी कहाँ कम हुई है यार, ये तो अमीरों को अमीर बना रहे हैं, अमीरों को अमीर बना रहे हैं, गरीबों को गरीब बना रहे हैं। अच्छा 5 किलो आटा से आपका दिन बीत जाएगा, नहीं बीतेगा, सरकार सही नहीं चल पा रही, सरकार सही इसमें क्या करना नहीं, हमारे कहने का मतलब गरीबों को पहले देखो। अच्छा अगर आप अच्छा काम करोगे गरीबों के लिए तो करोगे ना, सरकार तो वैसे ही बोलते कहाँ गरीबों की सरकार है महाराज, नहीं 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 हाथ जोड़ता नहीं नहीं गरीबों की सरकार नहीं है ये, गरीब अगर ये गरीबी के बच्चे हैं, अमीर के बच्चे नहीं है, अमीर के होते थे कहीं कोई धंधे में होते, अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको मेरे यहाँ तक आने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही आपको वोट दूंगा और ये बच्चे सारे देंगे, अगर इनका पेट भरेगा इनका परिवार सही रहेगा तो इनको कहना नहीं पड़ेगा, अपने यहाँ पे देंगे कि हमारे को आपसे फायदा है तो आप मेरे यहाँ क्यों आओगे, हमारा पेट पर्दा हमारे बच्चे ठीक है ना। पेपर लीक जो हो रहे हैं उसमें आप क्या कहना चाहोगे सरकार को, कुछ कह दो। नहीं हम क्या कहें, तब पेपर लीक हुआ तो सरकार की कमी है, सरकार की दिक्कत है, वो तो कह रहे हैं जो किया उसको पकड़ के हमने डाल दिया अंदर। अरे डालने से क्या होता है, ये बच्चे बेचारे घूम रहे हैं ना, किराया दे दे के कहां कहां से जाके पेपर दिए, परीक्षा हमारे घर में 4 लड़के हैं इलाहाबाद देहरादून बनारस में, समझ रहे हो, अब देहरादून से गया था आजमगढ़ परीक्षा देने, आजमगढ़ परीक्षा दे के क्या करा, किराया लगाया, यहाँ से मैंने पैसे 2,000 रुपए भेजा। अच्छा वो पैसे तो हमारे बेकार गए ना, अब वो कह रहे पेपर फिर होगा, बस फ्री होगी, पर वो तो हमारे 2,000 गए नुकसान, वो तो नुकसान हो गया, तो वो सरकार जिम्मेदार बने कि हम खुद जिम्मेदार। हमने युवाओं से बात करी और जाना उनका इस बार रुख क्या है और वो क्या सोच रहे हैं, पेपर लीक को भी लेकर काफ़ी कुछ उन्होंने बोला और 2024 को लेकर भी लोकसभा इलेक्शन बहुत करीब है उसको लेकर भी आपने सुना बहुत कुछ युवाओं ने बोला और युवा इस बार क्या चाहते हैं ये भी आपने सुना। मैं अजीत शाह आप देख रहे हैं जर्नी टाइम्स, धन्यवाद।